नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज बात गांव की होगी। आज बात गांव की करेंगे आपसे। बिहार का एक बहुत ही बड़ा गांव जो कि कठैया जो पंचायत है, वो बहुत बड़ा पंचायत है। आप देख सकते हैं यहां पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं और सभी लोगों का अपना अपना कुछ समस्या है। वो लोग कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि समाज के जो नेतृत्व करते हैं उनसे वो लोग उग चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका दिक्कत है, क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? नाम है क्या दिक्कत है आपको? चावल जो मिलता है उसमें बहुत ज्यादा आकड़ रहता है। जो ऊपर से यही आता है कटौती को टुकी टुकी खुदी खुदी। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा समाज के लिए बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। आगे और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अंजू देवी। किस वार्ड से हैं? पांचवा। अच्छा, का दिक्कत बा अपने के? अब दिक्कत ये न बजे राशन पता ही नहीं है, घर द्वार नहीं है। अब मिलतो का जगह दू बेगा के तो वो सब दो बोल बा, ये सब दिक्कत ना आया। आपको अब मिलत जगह राशन? आपका क्या नाम है? हां बोल, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत बजे राशन पता ही मिलत आता है, टकड़ा वाला मिलत है, खाद खान मिलत है, लइका खात न खत भूखे रोत है, रखन अपन के आए का दू दू आदमी का मिलत है, अपन को ओमे का साधन ओमे का कमीशन हो जाता है। और डीलर को तन के बुझ जो नाइल बा तन ले जा लो, न त जान ले जा लो। किस तरीके से बोलते हैं? बहुत बजे जो नाइल हम कहां से दी दू तो बढ़िया राशन खुद ही न खुद ही चाउ मिलत है। हम ये पैसा खाए से बाल बच्चा पैसा हम के पैसा हम के मोदी जी के तरह के आगे बीच बनाम से। और क्या दिक्कत है? ये दिक्कत बा खेत रहे तो जगह नहीं के, घराड़ी नहीं के, हमने के रोड को अरिया बसल बानी सन हमने के वो रोड अब उजरा जाता, बड़का रोड बनता तो हम ये कामना जगह जाए सन। वो हम के निस्कार करी गरीब आदमी के, जो गरीबे से सब कुछ बा हम के, तो हम के कुछ निस्कार नहीं कर मोदी जी का आप देख सकते हैं समाज के गरीबों के साथ कितनी बड़ी दुविधा हो रही है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्या नाम है आपका? सुगावती देवी। जी पर कौन सा वार्ड है आपका? पांच। पंचायत कौन सा है? गाँव। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत वही है, ये राशन पताई का घर द्वार नहीं है, रात रोड भी जाइए हम लोग घर द्वार बाटे और लोग और ये जाता बा तो लोग हम के भरा होता पारा होता घर द्वार जाते अच्छा सब बोलियो गोर बोटे लगे तो कौन को अगल बाटे तो काफी खाल जाए और राशन पताई मिलते नहीं घर द्वार हम कह ले ले कोनी सुख राशन नहीं मिलता है ना। 1 किलो 2 किलो मिले ला लो दबाव में रखे ला गाड़ी देला लो मार ला लो मुखिया वार्ड डीलर से नहीं मिले और उसे मिला है तो बात नहीं सुनता है। बात नहीं सुनते हैं? नहीं, नहीं, ना बात नहीं बात सुनते अपना वो बड़का बड़का सब अपना अपना क्या नाम है? थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत बाटे जे हम के रोड पर घर बा और ये घर उजड़ा तो जो लोग उजारने आते हैं उन लोग आप लोग बोलते हैं कि नहीं मैं हमारा घर नहीं उजारी है आपका सब कुछ भइल बा केस मुकदमा सब भइल बाटे तो जे करू अपना कहाँ जाएंगे सही ये समस्या। देख सकते हैं कि रोड बन रहा है और वहाँ पे रोड के किनारे जो भी लोग रहते हैं तो बहुत लोग जो है उनको हटा देते हैं। तो उन लोगों का कहना है, उन लोगों का समस्या है कि हम लोग आखिर रहेंगे कहाँ? अगर हम लोग सरकार को जिताए हैं अपना नेतृत्व करने के लिए तो हम लोग अगला बार कैसे उनको वोट देंगे? आगे और लोग भी हैं। उजारा पान हम के पास आई गरीब आदमी के पड़ लागल बा सब ताले ये तो दिक्कत है बोले के बा रोड पर बन से घर द्वार के दिक्कत बा जमीन हो गई जी यही दिक्कत है। राशन पता नहीं पांच आदमी बाढ़ तीन आदमी के मिलता द्वार के मिलता नहीं मिलता है तो उसके लिए आप लोग आगे नहीं गए? आगे हो जाता ना आधार कार्ड मंगाता लोग डीलर या मुखिया का जमा कर देला मिलता ही नहीं। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग समस्या है। आज बात करेंगे और जानेंगे। आप देखिए इन लोगों का एक घर है, कितना दिक्कत है इन लोगों को रहने का। क्या दिक्कत में आपने जबरदस्त खेत का बारी बा
राशन अपने के मिले ला मिले चार आदमी के राशन। अच्छा तो मैं कटौती ना नूंगा केला कटा ला ना 5 किलो और ये हम के बाकी लगभग के थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? गीता देवी। अच्छा आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, क्या दिक्कत है आपको? सर हमें के 5 बजे के बाद राशन ना मिले। राशन नहीं मिलता है 5 आदमी तो उसके लिए आप लोग डीलर को या वार्ड में राशन कार्ड है आपके पास? अच्छा तो लोग 2500-3000 रुपया मांग रहा है लोग कि उसके बाद आपको राशन मिलेगा, यही दिक्कत है। आप देख सकते हैं सरकार का कितना भ्रष्ट सिस्टम है और इस गांव के कितना भ्रष्ट लोग भी है जो भी नेतृत्व करता है कि राशन देने के लिए उनसे पैसे की मांग की जाती है। आखिर क्यों, कौन देगा इसका जवाब? ऐसे क्यों करते हैं ये सभी लोग? क्योंकि जब भी वोट का समय होता है चाहे मुखिया हो, वार्ड हो या यहाँ के जो भी विधायक सांसद जो भी हो, वोट के लिए चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वोट के लिए वो ये नहीं सोचते हैं कि हम गरीब के पास जा रहे हैं अमीर के पास जा रहे हैं। जब भी उनको वोट की जरूरत होती है तो सभी लोगों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं और अपने वोट का निवेदन करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका नेतृत्व करेंगे, आपको हम हर समस्याओं से दूर करेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप देखें कि यहाँ की महिलाएं कितनी परेशान हैं और ये जो वार्ड है 5 नंबर वार्ड है, कठैया पंचायत है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले का एक बहुत ही बड़ा पंचायत है। और हमारे साथ एक चचा भी है यहाँ पे, भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दुख बा, बहुत नहीं है। और का दिक्कत बा? राशन नहीं है। तो राशन नहीं के तो मुखिया जी के पास, वार्ड के पास, डीलर के पास गई रही है? बहुत गई रही, खाली पैसा मांगते हैं, पैसा दो भाई भर है। अच्छा ई बार अदला भर है, यहाँ जा तो ब्लॉक जा तो बेटिया जा डीलर पर जा भाई, ये हावे जब होता है परेशान करता है, सिर्फ दौड़ाता है। अब देख सकते हैं सारी समस्याएं आप देखे हैं सभी के साथ, चाहे वो इस वर्ग के यानी वो छोटे तबके का लोग हो या किसी भी तबके का लोग हो, सबके साथ दिक्कत है। क्या इंदिरा आवास में क्या बोल रहे हैं? इंदिरा आवास में नहीं बताएं, मुखिया जी को बोले समाज जाति का बोले इंदिरा आवास आई नहीं है, हम जब देखे नाम है आई बट या तो मुखिया जी घर न बने। वो कहते हैं कि चमार लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, खाली बोल के लोग। ये बात कौन बोलता है? मुखिया जी, सीनातन का घर में बौरिया ले जाकर वोट दिया, कुछ नहीं आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों का ये बात कहना है कि जब भी वोट का समय होता है हमारे घर की बेटी बहू जो है जाकर जहां भी वोटिंग का जो बूथ होता है वहां जाकर हम लोग सभी लोग वोट देते हैं कि जो भी नेतृत्व करता आएगा हम सभी के लिए कार्य करेगा, हम सभी को दुख से निकालेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो ये लोग जो चुन तो देते हैं लेकिन चुनने के बाद यानी वो लोग जीतने के बाद न उनसे मिलने जाते हैं न बात करते हैं, क्या समस्या है कोई सुनता नहीं है। अगर उनको कहीं राशन की ज़रूरत है, कहीं इंदिरा आवास की ज़रूरत है तो उनसे पैसे की मांग की जाती है कि अगर आप पैसा देंगे तब आपको राशन दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा समाज के लिए बहुत ही गलत हो रहा है और जो भी लोग ऐसे करते हैं कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है भ्रष्टता में है, वो इससे भाग नहीं सकते हैं। सवाल सरकार से पे भी उठता है कि अगर आपको सभी लोगों ने अपना नेतृत्व करने के लिए चुना है तो सिस्टम आपका है तो इसमें सरकार की भी संलिप्तता है जिसके कारण हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे महिलाएं परेशान है इस समाज के सभी लोग परेशान है, आखिर क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हुआ बा जब कौतर जमीन घर बने के चाहिए इंदिरा से मिले के चाहिए तो कौतर मुखिया जो कठैया के सूचिए नहीं के
नामे नहीं के तो नहीं के मुखिया जी कह रहे हैं कि सूचिए नहीं है सूचिए नहीं के तो हम लोग होटल बनी सो घर चुहता देखी ना आई प्लास्टिक तान तान के बने आप देख सकते हैं कि इनका घर है और ये प्लास्टिक तान के भी रह रहे हैं ये सारा समस्या है आप समझ सकते हैं कि दर्द जो है थोड़ा सा नहीं है दर्द बहुत बड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरा संलिप्त है क्योंकि अगर आपने योजना निकाला है तो उस योजना का फ़ायदा वैसे लोगों को होना चाहिए जिसके पास घर नहीं है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है अगर जिसके पास है अगर आप उसे ही खिलाते हैं तो फिर आपको रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है आप इधर देख सकते हैं ये भी भाई साहब हैं क्या नाम है आपका प्रदीप राम कौन सा गांव पड़ता है आपका धूमनगर कचौरी टोला क्या दिक्कत है आपको इंदिरा आवास हम लोग नहीं मिलता है राशन वासन नहीं मिलता है राशन जो है डीलर लेता है कभी देता है कभी नहीं देता है कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं क्या नाम है डीलर का डीलर का नाम है सलीम अच्छा। सलीम वार्ड नंबर कौन सा बताया आप वार्ड नंबर 10 है 10 है वार्ड नंबर आप देख सकते हैं कि हर जगह राशन को लेकर बहुत बड़ा तबाही मचा हुआ है तो अपना राय जरूर दें तो आप अपना राय जरूर दें क्योंकि आपका राय बहुत महत्वपूर्ण है तो बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद